Hello everyone, this is Mansi from Evidyati Church in. Let's start question number 2, exercise 2.7. So, this question mein first part hai. Hame find karna hai. So, the first part is 4.8 divided by 10. Abhi kuch exercise pehle humne questions kiye the jisme tha. Let's suppose 3.6 multiply by 10. याद है आपको हमने क्वेश्चंस किए थे जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है 10 से 100 से 1000 से एंड सो ऑन. सो इसमें हम क्या कर रहे थे, जो ये डेसिमल है लाइक 3.6 है, सो हम इसको राइट में शिफ्ट करते जा रहे थे. रिमेम्बर, सो अगर 3.6 इंटू 10 करना है सो ये हो जाएगा 36, मतलब कि 36.00 विच मीन्स 36. सो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो रहा था राइट साइड में. राइट, डिवीजन में उसका उल्टा होता है. उल्टा इन द सेंस कि अगर आपको 3.6 डिवाइड करना है अब 10 से, सो आप क्या करोगे, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे. जितनी जीरो है उतनी डिजिट्स पीछे. यहाँ पे एक जीरो है सो ये हो जाएगा 0.36, बिकॉज थ्री के बाद पॉइंट है. इस पॉइंट को हमने एक पीछे भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया. सो ठीक है, आगे चला गया. सो ये हो गया 0.36 विच मीन्स 0.36. ठीक है, सिमिलरली अगर है 3684, 36.84 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अब आपको ये दो डिजिट पीछे करना है. सो ये 36.84 है, दो डिजिट पीछे होगा, एक डिजिट दो डिजिट. सो ये हो जाएगा 0.3684. सो आंसर आ जाएगा 0.3684. सो आपको ये याद रखने की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के मल्टीपल्स 10, 100, 1000 लाइक दिस, सो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड जाता है, डिविजन में लेफ्ट साइड जाता है डेसिमल. ठीक है, और कितने पॉइंट्स पीछे जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3 या जितने भी जीरो होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ. 48 डिवाइडेड बाय 10, कितनी जीरो है, एक जीरो. कितने प्लेस पीछे जाएगा, एक प्लेस यहां पे है सो आगे चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा. ये हो जाएगा 0.48, क्योंकि यहां से अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा यहां चला जाएगा. सो ये आ गया 0.48 विच मीन्स 0.48. सो द आंसर इज 0.48. सेकेंड पार्ट है 52.5 डिवाइडेड बाय 10. अब हमारे पास है 52.5 और डिवाइड करना है 10 से. 10 मीन्स 10. 10 मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा एक डिजिट. सो अगर ये यहां पे है सो ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे. सो दिस विल बिकम 5.25. सो ये हो जाएगा 5.25. थर्ड पार्ट इज 0.7 डिवाइडेड बाय 10. अगेन 10. 10 मीन्स 10, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा एक डिजिट. सो ये हो जाएगा 0.07. क्या हो जाएगा, 0.07 विच मीन्स 0.07. ठीक है, तो 0.07 इज द आंसर. नाउ द फोर्थ पार्ट में है 33.1 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको 33.1 को 10 से डिवाइड करना है. सो दिस विल बी अगेन एक जीरो है, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. सो ये हो जाएगा 3.31. द आंसर इज 3.31. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 272.23 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये मिस हो गया, द क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय 10 अगेन. सो अगर आपको इसको 10 से डिवाइड करना है सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एक जीरो है, एक साइड पे एक डिजिट पे होगा.
So this is 27.223. ठीक है, the answer is 27.223. सिक्स पार्ट में हमारे पास है 0.56 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको 0.56 को डिवाइड करना है 10 से. अगेन 10 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा लेकिन एक डिजिट. सो दिस विल बी 0.56. अब पॉइंट आ जाएगा यहां पे. सो द आंसर विल बी 0.056. लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट विच इज 3.97 डिवाइडेड बाय 10. अगेन 10 मीन्स एक डिजिट लेफ्ट साइड पे. सो ये हो गया 0.397 विच मीन्स 0.397 इज द आंसर. फाइन. सो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट राइट में मूव होता है एंड डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट में मूव होता है. ओके, और कितनी डिजिट्स होगा दैट विल डिपेंड कि इसमें कितने जीरोस हैं. फाइन. सो बस ये याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड, डिवीजन में लेफ्ट साइड. फाइन. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3.